नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, बिग बॉस 17 के फिनाले के पहले कंटेस्टेंट की जर्नी के वीडियोस ट्विटर पर आने शुरू हो गए हैं। इस क्लिप को देखकर लोग विनर के कयास लगाने भी लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह से गेस किया जा रहा है कि इस बार बिग बॉस 17 का ट्रॉफी कौन लेकर के जाएगा, जैसे किसका वीडियो चैनल पहले दिखाता है, किसका वीडियो कितनी देर दिखाया गया, या साथ ही बिग बॉस ने उस कंटेस्टेंट के बारे में क्या कुछ कहा है। विलन से हीरो बने अभिषेक। हर साल दर्शकों और फाइनलिस्ट को उसकी जर्नी वीडियोस दिखाए जाते हैं। सीजन 17 के वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए हैं। शो से जुड़े अपडेट्स देने वाले ट्विटर हैंडल्स पर इन वीडियोस का बारीकी से एनालिसिस भी चल रहा है। अभिषेक कुमार की जर्नी दिखाते हुए बिग बॉस ने उन्हें विलन से हीरो तक बना दिया। अब चर्चा तेज है कि चैनल अभिषेक को ट्रॉफी दे सकता है। अभिषेक को बिग बॉस ने बताया दमदार। अभिषेक के वीडियोस में बिग बॉस बोलते हैं, हर कहानी को अच्छा बनाने के लिए कहानी में हीरो हीरोइन कॉमेडियंस तो होते ही हैं, लेकिन कहानी में दम डालता है दमदार विलन। आप इतने भी बुरे नहीं हैं अभिषेक, क्योंकि ऐसे ही थोड़े ना कोई विलन से हीरो बन जाता है। जिसके बाद अभिषेक की जर्नी के अलग अलग सेट्स दिखाए जाते हैं। बायस बिग बॉस करेंगे खेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक की जर्नी का वीडियो सबसे ज्यादा देर दिखाया गया। लाइव फीड की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक का जर्नी वीडियो 22 मिनट का है, अंकिता का 18 मिनट का है, अरुण का 15 मिनट, मन्नारा का 17 मिनट और मुनावर का 21 मिनट का है। बिग बॉस ने उन्हें दमदार हीरो भी बताया है। कई वोटिंग ट्रेंड्स में अभिषेक और मुनावर के बीच मुकाबला चल रहा है। मुनावर ज्यादातर में आगे चल रहे हैं, वोटिंग में कोई उन्हें हरा नहीं पाया है। हालांकि बिग बॉस पूरे शो के दौरान बोलते रहे हैं कि इस बार वह बायस्ड हैं। आइए आपको बताते हैं कि किसे मिले क्या क्या टाइटल। अभिषेक हीरो, मुनावर किस्मत का मारा, मन्नारा जिन्हें घर वालों ने गलत समझा, अंकिता पति ने गलत समझ लिया, मन्नारा की बहन ने उड़ाई अंकिता की धज्जियां। उधर बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि अंकिता लोखंडे की वजह से मन्नारा चोपड़ा फूट फूट कर रोने लगती हैं। दरअसल अंकिता ने प्रेस के सामने मन्नारा के बारे में काफी चीजें बोली। उन्होंने ये तक बोल दिया कि मन्नारा उनके पति और बिग बॉस के सदस्य विकी जैन से दोस्ती करके उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करती हैं। मन्नारा को अंकिता की बातों का बहुत बुरा लगा और वह अकेले बैठकर रोने लगी। ऐसे में मिताली हांडा का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अंकिता की धज्जियां उड़ा डाली। मिताली ने अंकिता के बारे में क्या लिखा? मिताली ने इंस्टा स्टोरी पर अंकिता की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, अंकिता लोखंडे उधार के कपड़े पहनती हैं। ये कपड़े मैंने मन्नारा चोपड़ा के लिए भेजे थे। मन्नारा एक दयालु लड़की होने के नाते उन्हें अपने कपड़े दे दिए ताकि वह मीडिया के सामने अच्छी दिखे और वह मीडिया के सामने उसी मन्नारा के खिलाफ बोले जा रही हैं। अंकिता के रिश्तों को सलाम, असंवेदनशील व्यक्ति। अंकिता ने मन्नारा से मांगी माफी। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंकिता ने मन्नारा से माफी मांगी थी। उन्होंने मन्नारा से बात की थी और अपने बीच की जो चीजें थी उसे क्लियर की थी। सिर्फ अंकिता ही नहीं, विकी ने भी मन्नारा से बात करके चीजें को ठीक करने की कोशिश की थी। शायद इसलिए विकी को एविक्ट होने के बाद मन्नारा अंकिता को संभालते हुए नजर आई। विकी के जाने के बाद मन्नारा पूरे टाइम अंकिता के पास रही और अंकिता को अकेला फील होने नहीं दिया। विकी के बाहर होने के बाद अंकिता लोखंडे की ननद ने एक्ट्रेस को लेकर कही बड़ी बात। जहां विकी जैन बिग बॉस 17 से बाहर हो गए हैं, बाहर आने के बाद विकी अब अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। विकी की बहन वर्षा ने उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। सभी साथ में काफी मस्ती कर रहे हैं और विकी की जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही अब अंकिता के ननद ने विकी के बाहर होने के बाद अब अंकिता को विनर बनाने की ठानी है। क्या बोली अंकिता की ननद? वर्षा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंकिता का वीडियो शेयर कर कमेंट किया, अब तो आप सब अंकिता को वोट करके विनर बनाए। इसके अलावा उन्होंने विकी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जहां वह अपने भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहती हैं। वैसे अंकिता के ननद के अलावा उनकी जेठानी ने भी इंस्टाग्राम पर सभी से अंकिता को वोट कर उन्हें विनर बनाने की अपील की है। अंकिता का रो रो कर बुरा हाल। शो का एक प्रोमो आया है जिसमें दिखा है कि विकी को बिग बॉस बोलते हैं कि आपका सफर खत्म हो गया है और आप बिग बॉस के घर से बाहर जा सकते हैं। अंकिता विकी को जाने नहीं देती है और गले लगाकर रोने लगती है। विकी हालांकि इस दौरान भी मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये इसलिए रो रही है क्योंकि मैं बाहर जाकर पार्टी करने वाला हूं। इस पर अंकिता उन्हें वार्निंग देती है कि मेरे बिना पार्टी मत करना। टॉप 5 में कौन कंटेस्टेंट? विकी के बाहर होने के बाद अब टॉप 5 में अंकिता लोखंडे, मनोवर फारूकी, अभिषेक कुमार, अरुणमा शेट्टी, मन्नारा चोपड़ा हैं। इसके साथ अब फिनाले की जंग होने वाली है। फैंस काफी एक्साइटेड हैं फिनाले के लिए और देखना चाहते हैं कि कौन इस सीजन की ट्रॉफी अपने साथ लेकर के जाएगा।